आदाब, मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। येडियुरप्पा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, टीपू सुल्तान जो हैं वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। पता नहीं नई कोई हिस्ट्री बनाए होंगे। टीपू जयंती वी आर नॉट वी आर गोइंग टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड इवन इन टेक्स्ट बुक्स आल्सो दैट इज व्हिच इज एन अपीयर्ड इन द टेक्स्ट बुक्स दैट इज आल्सो वी आर थिंकिंग टू कैंसिल इट। Okay. So, and also, you believe that he's also, the party stand is that he's not a freedom fighter, he's a tyrant? Pardon? Sir, many people have said that Tipu Sultan is a freedom fighter. Do you believe? I don't agree with him. करियर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताइए कि जो ऐसे टिप्पणियाँ किए हैं हमारे सीएम ने, तो वो क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री क्या है? चोर हैं, दगाबाज हैं, इनकी ट्राइब ही ऐसी है ना। देखो, इन्हें टीपू का फेटा पहना था, टीपू के दरगाह के पास गया, इसकी एक एंट्री भी है कि द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बोल के। अब क्या हो गया? ये 2012 सिर्फ ये नहीं फरहान साहब, इसका जो सक्सेसर था जगदीश चटियार, उन्हें एक बुक को लॉन्च किया विच वॉज ऑथर्ड बाय शेख अली, दैट द ऑथर नेम ऑफ द बुक इज क्रूसेडर ऑफ चेंज। तो इन्हें बड़ी तारीफ करके, हु वॉज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये दोनों क्रूक्स, यू नो दे प्रेस टीपू सुल्तान। अब ये लोग बिकॉज ऑफ अमित शाह, क्लियर है ना, अमित शाह के वजह से दे आर फॉलोइंग इनटू एन आइडियोलॉजी। वो ये बोल रहे हैं मुस्लिम्स को कि वी विल वाइप यू आउट, सी आइडियोलॉजिकली वी विल तुम्हारे आइकॉन्स को दबा देंगे, तुम्हारी फिलोसफी को दबा देंगे। देखिए, टीपू के बारे में इन जलीलों को ये जानना कि हाउ डू यू जज वेदर अ रूलर वॉज बिगॉट, कम्युनल था, कहने कैसे करते हैं? क्या टीपू सिर्फ मुसलमान जनरल्स को लिए? नहीं, उनके जनरल्स का नाम ऐसा होता था, अप्पाजी राव, श्रीनिवास राव, कृष्णा राव, सुब्बा राव, पूर्णया, क्या नहीं, सब ब्राह्मण्स थे। ठीक है, दे वर द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्रणा इज द प्राइम मिनिस्टर। इनके जनरल्स होते थे मुस्लिम्स एंड सम हिंदूस, टीपू के निपोटिज्म भी नहीं था, कानून। क्या इन बेगैरतों के जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड टीपू सुल्तान इंपोज करे कर सकते थे? क्या डेमोक्रेसी थी? क्या डिक्टेटर थे? बेतहाशा बादशाह थे अपने रलेम के, इंडिया तो नहीं थी। सी, वॉट एवर टीपू रूल्ड वॉज द कंट्री, जिसे आज करस्पॉन्ड करते हैं कर्नाटका से, आप जानते हैं, let them go and verify historical facts. High court था, एक हिंदू बैठता था, एक मुसलमान बैठता था, district courts होते थे, एक काजी बैठता था, एक पंडित बैठता था, 156 temples को endowments दिए हैं। नंजनगुड़ की temple में मैं गया था, जो सबसे बड़ा दरवाजा है, टिप्पू का दिया हुआ है। क्यों देते हैं? Why would a communal man donate? मैं सिर्फ तिलक लगा दिया तो ये लोग मुझे ट्रॉल करे। टीपू, अगर मैं अगर किसी टेंपल को या ये गुड़ी या जो आइडल या दरवाजा बना, तो मेरी हालत क्या करेंगे आज ये? टीपू सुल्तान बेधड़क दरवाजा दिए, एक लिंगा दिए, और जो श्रृंगेरी में पटवर्धन राव हिंदू मराठा आके हमला किया था, बर्बाद किया था श्रृंगेरी को, वहां के गुरु को टीपू लिखते हैं कि महागुरु आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे लोग जो हंस हंस के बर्बाद करते हैं, रो रो के मरते हैं। उसका एक संस्कृत इसमें लिखे थे, वो कन्नड़ा में लिखे थे, कन्नड़ा में भेजे थे उसको। ये थे टीपू सुल्तान। आज ये लोग, इनको कन्वीनियंट है इसलिए टीपू सुल्तान को कबिनल बनाए, क्योंकि चंद लोग कहते हैं कि उन्होंने देखिए कन्वर्टेड। अब वो कन्वर्टेड की स्टोरी इस तरह है कि मंगलूर से पोर्चुगल आते थे, इंग्लिश आते थे, वो डच आते थे, ये कन्नरीज को वहां जो सेटल होते थे उन लोगों को प्रोसिलिटाइजेशन इवेंजलिज्म करते, क्रिश्चियंस बना देते थे। और आप जानते हैं ना रिलीजन कैसा वर्क करता है लोअर लेवल पे, वो रिलीजन के एफिलिएशन के वजह से दे हैड दिस फेलोस हैड बिकम ट्रेटर्स, कि हमें भी तुम्हारा एक रिलीजन, हमें हेल्प करते हैं वो मुसलमान शहनशाह के खिलाफ, तो मैं और तुम्हें भी क्या करते हैं। चंद लोगों को, उनके मेन लोगों को पकड़ के आए, उनको यहाँ के डंजन्स में डाले थे। तो ये गद्दार की, गद्दार या मुसलमान हो या हिंदू हो, गद्दार गद्दार ही रहता, उसकी जात ही अलग, उसकी फितरत अलग। तो ये जो हकीकत है, तो येडियुरप्पा साहब की ऐसी जो टिप्पणी की है, इसका क्या मतलब है? बीजेपी का रंग आ गया? मुसलमानों को तोड़ो, कौम माशरे को बर्बाद करो। हम लोगों के जानते हैं ना आप लोग, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में इंटेलेक्चुअल्स का ड्रेथ है, इंटेलेक्चुअल्स ही नहीं है, पहले से कम सरस मरी भी कम्युनिटी, लीडर्स इसमें बिजी रहते हैं कि हम MLA कब बने, MP कब, कोई भी लीडर आके, हैसियत का लीडर आके बात किया क्या? डिड ही क्रिटिसाइज येडियुरप्पा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स? हक बात करने दो फरहान साहब, झूठ नहीं।
टीपू सुल्तान अप्पाजी राव कृष्णराव सुब्बाराव श्रीनिवास राव पूर्णैया को क्यों रीन्स देके जंग लड़ने जाते थे उसका जवाब देने दो मुझे येडियुरप्पा को, बेगरत कहीं का। तो ये बताइए कि ये बदलाव क्यों हुआ, सिर्फ पावर में रहने के लिए? पावर में रहने के लिए ना जी। टीपू सुल्तान पावर को सैक्रिफाइस कर दिए। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप एक किंग का नाम बोलिए जो जंग में ब्रिटिशर से लड़ते हुए, मैं मुगल्स हैं सल्तनत हैं बड़े महाराजा शिवाजी महाराज जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वो भी बड़े सेक्युलर बादशाह थे, कोई जंग में जान दिया, क्या जरूरत थी इनको? देखिए और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टीपू सुल्तान क्या वॉरियर्स की सल्तनत को हरा दिए, क्या उनके थ्रोन को छीने? नहीं, जब टीपू और हैदर अली खान 1735 and 1740s में हैदर अली छोटे मोटे सिपाही थे, उनको वहां का एक ब्राह्मण वॉरियर्स का ब्राह्मण गवर्नर करचूरी नंजराज और देवराज भाई थे, वो ये लोग टीपू को हैदर अली को देखे देवनहली में जिसे आप गए थे 1749 में जंग हुई तो हैदर अली को देख के खुश हो गए, उनको उन्हें अपना जनरल मला लिए। ये दोनों देवराज एंड अंजराज वडियर खानदान को खोखला कर चुके थे। दूसरी बात यह है चिक्क देवा राजा वडियर नंजनगुड़ में लिंगायता है अभी भी हैं, वहाँ के प्रीस्त हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा टैक्स डाल दिया नंजनगुड़ में, तो वहाँ के फॉरवर्ड्स बोले कि ये क्या जुल्म हो रहा है, तो प्रीस्त प्रोटेक्ट ये करे कि अरे विष्णु बसवा जिसे बोलते हैं ना वो लिंगायत तो बसवा बैल है उसे पूजा करते हैं, बैल पानी देता है जमीन हमना अनाज देती है, तू क्यों टैक्स लेता, बोले चिक्क देवरा। उनको एक दिन बुलाया, 400 प्रीस्ट को बुलाया, खुशी से बुलाया, एक बैंकेट रखा डिनर, 400 को लोगों को खिलाया और एक छोटी एक वो पैलेस में एक छोटी सी एक अली थी वहां से उनको एक एक जाने बोला और उधर से जो जो निकले इसके पहले उन्होंने उनको गला दबा के मार दिए। 400 प्रीस्ट पर मैसेकर्ड में चिक्का देवराजा, यू गो एंड वेरीफाई द फैक्ट्स, उसको डिनाउंस करो, तेरी ही साथ है ना, तू लिंगायत है ना, उसके बारे में क्यों हाईलाइट नहीं करता तू, बेगरत कहीं का। तो शरीर बहुत अच्छी बात है, शायद हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको कुछ क्या करेगा, देखिए इसके बारे में नॉलेज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नॉलेज सब है उनको, एक्चुअली येडियुरप्पा आधा मुसलमान है, वो जितना फंड्स, ये अदर साइड है उसका, जितना फंड्स वो मुस्लिम्स को दिया है, मेरे खुद के लोग जो सिविल सर्विसेज में उसकी तारीफ करते थे कि इससे भी सेक्युलर आदमी कौन भी नहीं है, मगर जो हिंदुआइजेशन एंड सैफ्रनाइजेशन हो रहा है ना, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में यू नो हिंदू पूरी माशरे को तबाह करके रख देंगे। फर्स्ट कर्नाटका में द फर्स्ट विक्टिम इज वेरी सैडली इज येडियुरप्पा। आई थॉट येडियुरप्पा वॉज द मोस्ट सेक्युलर बीजेपी लीडर ऑफ कर्नाटका, टुडे इट इज अ वेरी सैड डे, इट्स अ सॉरफुल डे, आई मॉर्न द डेथ ऑफ सेक्युलरिज्म इन कर्नाटका, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द टीपू डिड नॉट रिप्रेजेंट इंडिया बिकॉज देर वॉज नो इंडिया, टीपू वॉज अ प्राइड ऑफ कर्नाटका, मैसूर का मतलब कर्नाटका, ही वॉज अ प्राइड। टीपू को किताबों से निकालना कर्नाटका को किताबों से निकालने के बराबर है, टीपू को जो रॉकेट नासा में रखे हैं, टीपू का जो डिब्बा आर्थर वेलेस्ली कॉपी करके जो नेपोलियन को हराया था, टीपू के जो अमृत महल कैटल थे जो कैनन्स को लेके भागते थे जिसकी तारीफ फ्रांस के गवर्नर्स तारीफ करे कि ये किस तरह के कैटल्स हैं, इनको कितनी ताकत है, टीपू का जो बैंकिंग सिस्टम था, टीपू का जो प्रोहिबिशन पॉलिसी, उसको सब मिटा देंगे आप? वो जब लंदन म्यूजियम में है और टीपू के रिसेंटली 2012 में ब्रिटिश आर्मी एक पोल करी थी कि ब्रिटिश आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, फर्स्ट नाम है टीपू का, सेकेंड है झांसी का, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शेमफुल फेलोस, कर्नाटका के ऊपर तुम लोग धब्बा हो, तुम लोगों को यही नहीं है रूल करने का ही आप लोगों को लोकल स्टैंडिंग नहीं है, यू आर नॉट पिनलाइजिंग और यू नॉट कम्युनलाइजिंग, यू आर किलिंग द कल्चर ऑफ इंडिया, यू आर डिस्ट्रॉटिंग एंड करप्टिंग द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका एंड इंडिया। टीपू इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ इंडिया, ही इज द प्राइड ऑफ कर्नाटका, ही डज नॉट बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, ही बिलोंग्स टू द एंटायर स्टेट ऑफ कर्नाटका, वेक अप। ताहिर सर, आपने येडियुरप्पा साहब का स्टेटमेंट तो सुना ही होगा और जो मैंने आपको दिखाया भी, तो ये बताइए कि उनके स्टेटमेंट में ये कहा गया कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, आज येडियुरप्पा का बैकग्राउंड है आरएसएस का बैकग्राउंड, वो आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कभी फ्रीडम स्ट्रगल में साथ नहीं दिया, और वो लोग अपने उन लोगों को आदर्श मानते हैं जो कि अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी के लिए माफ़ी मांगकर
अपनी आज़ादी हासिल की है, चाहे उसमें सावरकर हो चाहे उसमें वाजपेयी का नाम हो। और जो टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं, यह सबको मालूम है कि टीपू सुल्तान उस ज़माने में अंग्रेज़ों से जब लड़े थे, जब पूरे हिंदुस्तान के राजा लोग, चाहे उसमें मराठा होने दो चाहे निज़ाम लोग हो, अंग्रेज़ों के पीठ के तलवे चाटते थे और इन लोगों के साथ खड़े होते थे, तो टीपू सुल्तान एक डिक्लेयर फ्रीडम फाइटर है हिंदुस्तान का फर्स्ट, जो कि रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और ये सारी चीज़ें आरएसएस और येदियुरप्पा अपनी आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? अंग्रेज़ों की चमचे के जूते चाटने की उनकी आइडियोलॉजी है। वही उसी आइडियोलॉजी की वजह से जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ेगा उसको वो लोग विरोध करेंगे। तो ये बताइए कि उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो भी हिस्ट्री के किताबों में उनका टीपू सुल्तान की कहानियाँ है उसको निकाल दिया जाएगा, इसके बारे में क्या होता है? देखिए, हिस्ट्री की किताबों में जो कहानियाँ हैं वो तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो कोई बदल नहीं सकता। और येदियुरप्पा अपनी गवर्नमेंट की पावर को मिसयूज करके शायद वो कोशिश कर सकते हैं, मगर ऐसे समाज के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं ऐसा होने नहीं देंगे। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये बाई इलेक्शन के बाद येदियुरप्पा ही गवर्नमेंट बचेगी। अच्छा, और जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट का एक पीरियड रहता है, हिस्ट्री कभी बदलती नहीं, मगर गवर्नमेंट बदलती रहती है। तो आपको लगता है येदियुरप्पा साहब भी हिस्ट्री हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री हो जाएंगे बाई इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये बताइए कि 2012 में यही येदियुरप्पा साहब बहुत गुण गाते थे टीपू सुल्तान का, तो ये बदलाव 2019 में क्यों? देखिए, कल को येदियुरप्पा को बीजेपी निकाल देगी ना, तो यही येदियुरप्पा वापस यही सेम गुनगाने लगेंगे। अच्छा। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अपने फायदे के लिए सब चीज़ करते हैं। अब बाई इलेक्शन उन्होंने यहाँ पर जो फ्लड सिचुएशन था कर्नाटका में, उसको हैंडल करने में मिसरेबली फेल्ड हो गई गवर्नमेंट, और इतना डिसकंटेंट है इकोनॉमी को लेकर, जॉब्स के बारे में लेकर, ये सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए कम्युनलाइज हर चीज़ को सेंट्रलाइज करते हैं, और लोगों को बाई इलेक्शन के टाइम में कम्युनली डिवाइड करने के लिए ऐसे भी इशू उठा रहे हैं। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक एजेंडा है। और ये 90% जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको पूरा मालूम चल गया है कि बीजेपी का ये एजेंडा सिर्फ लोगों को डिवाइड करने का है, उन्हें कोई लोगों को फायदा पहुंचाने का नहीं है। अब्बास सर जी, आपने येदियुरप्पा साहब का स्टेटमेंट सुना? जी बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर नहीं थे। आप क्या बोलते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर टीपू सुल्तान, शहीद महान टीपू सुल्तान जो शेरे कर्नाटक कहलाए जाते हैं, अगर वो फ्रीडम फाइटर नहीं है तो कौन है फ्रीडम फाइटर? इनका बुजदिल सावरकर या गोलवालकर, जो कि फ्रीडम फाइटर में कुछ किया ही नहीं? ऐसे हो ही नहीं सकता। जितना कि एक भगत सिंह है फ्रीडम फाइटर, वैसे ही हमारे शहीद टीपू सुल्तान है फ्रीडम फाइटर। मैं ये नहीं जानता कि येदियुरप्पा ने ऐसा कहा क्यों, क्योंकि वो खुद येदियुरप्पा साहब शामिल थे कुछ साल पहले, वो खुद शामिल थे और उन्होंने तलवार उठा के, टीपू सुल्तान कितने बड़े महान फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के लफ्ज से, और अभी उन्होंने पलटी मार ली। ये पलटी क्यों? ये पलटी आरएसएस की सोच है, आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस में अगर आप देखें, इनके कोई हीरोज लेजेंड्स नहीं है और उनका कोई साथ ही नहीं था, क्योंकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनके पास कोई हीरो नहीं है, लेजेंड नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है। इसलिए इनको एक कहते हैं कि ना, एक अंदरूनी एक दुश्मनी होती है मुसलमान के खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ और ऐसे अन्य विविध कुछ। अगर यही टीपू सुल्तान मानो, अगर वो छत्रपति शिवाजी या कोई मराठा होते या कोई हिंदू होते, उनको ये लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ शहीद कहलाते। ये अंदर में इनका एक तासुब है, एक बुग्ज है, सारे लोगों का नहीं, ये केवल आरएसएस का है। तो येदियुरप्पा साहब पावर में रहने के लिए अपने टोन को चेंज कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये पावर की भूख है, सत्ता की भूख है, ये राजकीय है, ये इनका पॉलिटिकल गेम है। इसी के नाते येदियुरप्पा जी खेल पे खेल रचे जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है। इन्होंने ये जो कहा कि किताबों से भी हिस्ट्री को निकाल देंगे, उसके बारे में क्या बोलते? अरे येदियुरप्पा साहब, दिलों से कैसे निकालोगे आप महान टीपू सुल्तान को? किताबों से निकाल दोगे? क्योंकि आप क्या कहते हो, आप कौन सी हिस्ट्री बात कर रहे हैं? मैकॉले हिस्ट्री, इंग्लिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री, क्या क्या निकालोगे आप? लेजेंड्स को जो अपने सीने में दफन है कैसे निकालेंगे? और ये जुल्म जालिम की हुकूमत ज्यादा रोज नहीं टिकती, और इसी के नाते ये अपनी हिस्ट्री को तोड़ मदोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से, क्योंकि टीपू सुल्तान जैसे महान व्यक्ति हमारे सीने में, हमारे दिलों में दफन है वो। और जैसे कहते हैं कि एक एक दो लाइन अर्ज करना चाहूंगा मैं, जोश मल्हाबादी ने टीपू सुल्तान की शान में कहा था कि हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है।
हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब कोई एक सरफिरा परिंदा हवाओं से लड़ पड़ता है। सर, आपने येडियुरप्पा साहब का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान जो हैं वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? सारी दुनिया जानती है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक फ्रीडम फाइटर थे जी, और उन्होंने ब्रिटिश वालों के ऊपर लड़ा, जंग लड़ी, चार जंगा लड़े। तो इनो फ्रीडम फाइटर नहीं तो क्या येडियुरप्पा फ्रीडम फाइटर है क्या? आरएसएस के अंदर कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? आज साहूकर को इनो रत्न अवार्ड दे रही जी। उन्हें अंडमान जेल में था तब ब्रिटिश वालों को क्या लिख के दिया, हमें आपके साथ लड़ेंगे, ये बगावत नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ खिलाफ ना खड़ेंगे, हमें आपसे हमें कभी हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे करके अंडमान जेल में लिख के इन्हें बाहर आया ना, वो क्या लव लेटर था क्या? तो ये कौन से हिस्ट्री को बोल रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे? झूठी हिस्ट्री बना ले कहीं, वो चितन मूर्ति है एक जी स्कॉलर, उन्हें उसके खानदान में ब्रिटिश वालों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान की रूलिंग में कुछ बगावत करे थे तो उनको सजा दिए थे, इसीलिए उन्हें इनके खिलाफ झूठी हिस्ट्री बनाया। अच्छा। वो झूठी हिस्ट्री उन्होंने बयान दी थी। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि जो भी किताब में इनके बारे में लिखा हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में वो सारा निकाल देंगे, क्या बोलते हैं आप? भाई, एक बार जब किताब में हिस्ट्री आ गई है जी, मैं ही नहीं पढ़ा, मेरे दादा भी पढ़को ही टीपू सुल्तान की हिस्ट्री, सब मेरा खानदान भी पढ़को है टीपू सुल्तान ये मुल्क को क्या करे करो। आज वो हिस्ट्री निकालने निकलेंगे तो क्या हिस्ट्री निकाल को आप क्या डालते हैं? येडियुरप्पा जेल को गया सो डालते हैं, येडियुरप्पा जमीन चुराया सो डालते हैं, बोलो ऑपरेशन कमला करता वो डाली है, अच्छे घराने में फूट डाल को जैसा हुकूमत तोड़ने का काम कर रहा येडियुरप्पा वो डालना क्या, बच्चे वो ट्रेनिंग लेना क्या, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इनका काम है। इन्हों क्या है, अभी इलेक्शन आया 17 आदमियों का, ये इलेक्शन के अंदर वोटों को बटरना, वोटों को बटरने के वास्ते कोसा एजेंडा को सूझते हैं। अब वो जो नॉर्थ कर्नाटका ना सब जगह इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या कहीं को खड़े हुए हैं, जो बारिश से तबाही मची है आपको, उनको एक बार भी रिलीफ फंड नहीं मिला, उनको खाने को खाना नहीं, कुछ भी उनकी देखभाल नहीं ना, वो उनको डाइवर्ट करने के वास्ते ये इशू ले लगा रही। आपने येडियुरप्पा साहब का वीडियो देखा होगा। हाँ, जिसमें देखा। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो इसके बारे में आप क्या बोलते? एज आई जनरली से फरहान साहब, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं जब हम पढ़ रहे थे और जब हम पढ़ा रहे थे तो दो भी हिसाब से हम ये सोचे थे, फ्रीडम फाइटर होते कौन हैं जो सरेंडर नहीं करते, राइट, और अगर से उनके अगेंस्ट लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो बहुत सारे राजा ऐसे हैं इंडिया में थे जो ब्रिटिशर्स के साथ जम गए, कि जैसे कि आप, चलो मैं एक किंग हूँ, मैं हार गया ब्रिटिशर्स से तो मैंने मान लिया कि चलो आप रूल करो, मैं आपका सबॉर्डिनेट रहूँगा, तो आप मुझे पेंशन दे दो। बट टीपू सुल्तान डाइड, वो शहीद हो गए लड़ते लड़ते, और उन्हें चार वॉर्स फाइट किए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हिज इंटेंशन वॉज टू टेक अवे ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए, ठीक है, सो ही वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। ये हिस्ट्री में आता है, आज की हिस्ट्री अलग है, मोटिवेटेड है शायद, बट जितने भी कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने खुद लिखा है कि टीपू वॉज द लास्ट किंग जिनसे उन्हें डर लग रहा था, जब उनकी शहादत हुई उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा चलो अब इंडिया हमारा हो गया। तो फिर आप एक काम कीजिए कि येडियुरप्पा जी को थोड़ा सा हिस्ट्री सिखाइए। तो हिस्ट्री वो बदल रहे हैं, पता नहीं, आई एम मोर इनटू एजुकेशन। हिस्ट्री जो लोग लिखे थे या तो वो लोग बेवकूफ़ थे या समझ में नहीं आता या पढ़े लिखे नहीं थे, या जो आज हैं ये ऐसे हैं। तो अच्छा। मेरी राय ये है, ठीक है। तो और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी किताब में उनके बारे में लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली इसका जवाब तो अभी दिया मैं कि जो लोग हिस्ट्री लिखे थे, जो उन्हें देखे थे और वो टाइम पे जो हिस्ट्री लिखते थे लोग, वो एजुकेटेड थे, फिलोसोफर्स थे और रिसर्च करके आते थे जी। आज के दौर में जो हिस्ट्री बता रहे हैं या तो पॉलिटिशियंस हैं जो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे। अच्छा। बहुत सारे, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर एज इंडियंस, मुझे कभी अफसोस होता है कि हम वी आर लेड बाई लीडर्स बट हु डोंट नो व्हाट इज़ फिलोसफी, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। तो
I'm a little upset about it. रिजवान साहब, आपने येडियुरप्पा साहब का स्टेटमेंट सुना होगा? जी, मैं सुना था और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था। ठीक है, तो ये बताइए कि उन्होंने ये कहा कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर नहीं थे, आपके हिसाब से ये कथन कितना सही है? अभी आपको मालूम है कि बाय इलेक्शन होने वाला है जी, और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और येडियुरप्पा को पूरा मालूम है कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर हैं और उन्होंने बहुत जंगें भी लड़ी हैं। खुद उन्होंने 2012 में जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए थे, उन्होंने किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही हैज़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बोल के उन्होंने लिखे हैं। और जब टीपू सुल्तान सेलिब्रेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिए, हाथ में तलवार भी है, टोपी भी है, तब वो बीजेपी में नहीं थे। तो ये फ्लेवर चेंज कैसे हो गया इतना जल्दी? अभी ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, ये पॉलिटिकल गेम हो रहा है और इलेक्शन आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ बीजेपी जो सिंकिंग शिप हो रही है, इनकी जो 105 सीट है और जो डिसिडेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इनको पता चल गया है कि बीजेपी नहीं आने वाली है। खुद बीजेपी में डिसिडेंट्स है, कैश फैक्टर है, जो स्टेट्स को डिवाइड करने का था, तो सब नाराज़ हैं। तो एक कार्ड खेल के एक ऐसा कार्ड खेलेंगे ताकि वोट हमको आए बस। अच्छा, तो उन्होंने ये भी कहा कि किताबों से उनके सब नाम निकालेंगे, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर किताब उनकी गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को कोई मिटा नहीं सकता। ब्रिटिश सिलेबस में है, गैजेट्स में उनका नाम है। वैसे देखें तो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, टीपू पैलेस है, नंदी हिल्स है, लाल बाग है, तो क्या सब उधर डिनाई करेंगे क्या वो टीपू सुल्तान के हैं या हैदर अली साहब के हैं? तो ये समझता हूँ ये सब गिमिक है। अगर निकाल दिए तो भी, अगर उनकी हुकूमत है निकाल दिए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगा। हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस को पता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये करने नहीं देते। रोशन सर, ऐसा है कि आपने येडियुरप्पा साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर नहीं थे, आपका क्या कहना है? नहीं, इनकी इनसेन स्टेटमेंट है येडियुरप्पा का, और अपॉर्चुनिस्टिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर जब ये पावर में थे लास्ट टाइम, वही हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में पेठा पहन के और उनका अटायर पहन के बहुत सर्कस किए इन्होंने। जब मैं यूके के लोग ही मानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स हज़रत टीपू सुल्तान थे, ताज्जुब हो रही है कि आज की पॉलिटिक्स इतनी गिरी हुई है, इतना माहौल गिर गया है कि अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे लूज टॉक्स करते हैं। और मैं स्ट्रांगली इंसिस्ट करता हूँ हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स को कि आइए और आवाज़ निकालिए। इतना बड़ा कमेंट किया है इसने येडियुरप्पा साहब ने, तो इसके एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इसके एडवोकेट तो करिए हजरत के बारे में। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जितने टेक्स्ट बुक में उनके बारे में लिखा हुआ है सारा निकाल देंगे, क्या बोलते हैं? वो बाय इलेक्शन आ रहा है अभी जी, वो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, वोटर्स के लिए एक इम्पल्सिव स्टेटमेंट दिए हैं येडियुरप्पा ने। हज़रत टीपू सुल्तान तो दिल से निकाल नहीं सकते, तो किताबों से कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, तो ये बताइए कि यही आदमी जो हमारे सीएम है येडियुरप्पा साहब, पहले उनके बारे में सपोर्टिंग में बात करते थे, बर्थडे मनाते भी थे साथ में जाके, अब ये बदलाव क्यों? ये सब इंस्ट्रक्शंस है इनके पीछे, जो आरएसएस है। अच्छा, उनका जो थिंक टैंक कमेटी है इनके पीछे, वो जो बोलते हैं ये पॉपिट है बस, उनका जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि दिल जीतने के लिए, तो पावर में रहने के लिए, सिर्फ पावर में रहने के लिए और कुछ नहीं। तो ये जो मिस्टर येडियुरप्पा साहब ने टीपू सुल्तान के बारे में जो कहा था, वो हमने बहुत सारे गेस्ट को बुलाए, सभी के व्यू पॉइंट आपने सुना। अब आपकी ड्यूटी है, अगर आपको ये चीज़ में अच्छा लगा बुरा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।